ये गौतम ने फेसबुक पे लिंक क्या भेजा है? रिया, ये मेरे कॉलेज का असाइनमेंट है, इस लिंक पर क्लिक करके मुझे वोट कर दे। ओके। ये एरर क्यों आ रहा है? कोई नहीं, रहने दे। ओके। हेलो, हाँ तू आ गई? चल आती हूँ मैं। मेरे अकाउंट से सारे पैसे कट गए, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं गौतम ने जो वो लिंक भेजी थी वो तो नहीं? लेट मी कॉल गौतम। रिया? हाय रिया। गौतम, तूने मुझे सुबह कौन सी लिंक भेजी थी? मेरे अकाउंट से सारे पैसे कट गए यार। मैंने कौन सी लिंक भेजी? मैंने तो कोई लिंक नहीं भेजी। तूने सुबह ही तो मैसेज किया था, उसमें एक लिंक था, तूने कहा था मेरे कॉलेज का असाइनमेंट है, उस पे क्लिक करके मैं तुझे वोट कर दूं। यार मैंने कोई मैसेज नहीं किया तुम्हें। गौतम, तूने मुझे फेसबुक पर टेक्स्ट किया था। फेसबुक? यार मेरे तो फेसबुक पर आईडी भी नहीं है। ऐसे कैसे? वो तेरी आईडी थी, उधर तेरी डीपी भी थी। रिया, मेरा फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, वो कोई फेक आईडी हो सकती है जो मेरे नाम से बनाई गई हो। इट माइट बी अ स्कैम। स्कैम? पर गौतम, मेरे अकाउंट से तो सारे पैसे कट गए यार, मैं क्या करूं? तू टेंशन मत ले, मैं आता हूँ घर, फिर बात करते हैं। ओके। क्या हुआ बेटा? पापा। तू इतनी परेशान क्यों है? पापा, आज सुबह किसी स्कैमर ने मेरे फ्रेंड की फेक आईडी बनाकर मुझे मैसेज किया, और उसमें एक लिंक थी जिस पर मैंने क्लिक कर दिया और एरर आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? पापा, मेरे अकाउंट से सारे पैसे कट गए। तो शांत हो जा अभी। पर पापा, मैंने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। देख बेटा, तुझे मालूम तो है ना कि आजकल कितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। हाँ पापा। इसलिए होम अफेयर्स और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वालों ने मिलकर एक नंबर जारी किया है। अच्छा। तू 1930 पर कॉल कर और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा। पर उससे क्या ही होगा पापा? बेटा, ये साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वालों ने हमारी हेल्प करने के लिए ये नंबर बनाया, तू एक बार कॉल तो कर। पर पापा, ये नंबर्स वर्क नहीं करते, कुछ नहीं होता इन नंबर्स पे कॉल करके। देख बेटा, जब कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है और हमारे अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुई हो जो हमने नहीं की है, तो हम इस नंबर पे कॉल करके उनसे मदद ले सकते हैं। पर उससे पैसे तो वापस नहीं आएंगे ना पापा। बेटा, पैसे भी वापस आ जाएंगे, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वाले तेरी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करेंगे और तेरी हेल्प करेंगे। सच में? हाँ सच में, तू एक बार कॉल तो कर। हेलो, पापा अब ठीक है ना? हाँ। तू आगे से इस बात का ध्यान रखना कि ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक मत करना जल्दी से। जी पापा। और अगर कभी कोई नॉन पर्सन भी तुम्हें कोई ऐसा लिंक भेजता है तो उससे फोन करके कंफर्म कर लो कि उसी ने भेजा या नहीं। हाँ पापा, मैं इन सब बातों का ख्याल रखूंगी आगे से। अब तू परेशान मत हो। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.